हेलो फ्रेंड्स, आई विल टुडे लर्न फार्मूला रिलेटेड फ्लूड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। सो लेट्स स्टार्ट। वी स्टार्ट विद द इट्स डेफिनेशन। व्हाट इज फ्लूड मैकेनिक्स? फ्लूड मैकेनिक्स, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूड मोशंस, फोर्सेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूड, आइडियल फ्लूड एंड रियल फ्लूड। आइडियल फ्लूड, ए फ्लूड इज सेड टू बी आइडियल इफ इट इज एज्यूम टू बी बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, इट्स बल्क मॉडुलस इज इनफाइनाइट। एंड रियल फ्लूड, इन द रियल फ्लूड हैव विस्कोसिटी, फाइनाइट कंप्रेसिबिलिटी एंड सरफेस टेंशन। आइडियल फ्लूड हैज नो सरफेस टेंशन। आइडियल फ्लूड आर इमेजिनरी एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द फ्लूड आर सच एज स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू एम जी अपॉन वी और इज इक्वल टू रो इंटू जी, वेयर रो इज इक्वल टू डेंसिटी, जी इज इक्वल टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एस आई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल वी स्मॉल वी इज इक्वल टू 1 बाई डेंसिटी इज इक्वल टू 1 बाई रो। दिस यूनिट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू मीटर क्यूब पर किलोग्राम। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। स्पेसिफिक ग्रेविटी स्मॉल एस और रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड। आर इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर वाटर इज 1.084 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर मर्करी इट इज 13.6। स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरीज विद टेम्परेचर, देयर फोर इट शुड बी डिटरमाइंड एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, 4 डिग्री सी और 25 डिग्री सी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। सो दैट द शियर स्ट्रेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। सो टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, वेयर म्यू इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी, और इट कैन बी सेड डायनेमिक विस्कोसिटी, वेयर डी यू बाई डी वाई इज कॉल्ड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और वेलोसिटी ग्रेडियंट। टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा बाई डी टी, वेयर डी थीटा बाई डी टी इज कॉल्ड एज रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। फॉर न्यूटोनियन फ्लूड कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट। डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इन द स्टडी ऑफ फ्लूड काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू फ्लूड सच एज विस्कोसिटी,
फर्स्ट वन इज डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ड्यू टू विस्कोसिटी ए फ्लूड ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्लो। डायनेमिक विस्कोसिटी इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई म्यू। इट्स एसआई यूनिट इज पास्कल सेकेंड और न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। इट्स सीजीएस यूनिट इज पॉइज और डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वन पॉइज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई न्यू। न्यू इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी और इट कैन बी रिटन एज न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इट्स सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड और स्ट्रोक। वन स्ट्रोक इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10^-4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जनरली डिक्रीजेज विद टेम्परेचर वेयर विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिक्विड विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी आर गैसोलीन वाटर क्रूड ऑयल कास्टर ऑयल। विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20°C इज 1 centipoise। विस्कोसिटी इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ कोहेसन विच इज डोमिनेंट इन लिक्विड। ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम बिटवीन फ्लूड लेयर डोमिनेंट इन गैसेज। टाइप्स ऑफ फ्लूड देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूड। वन इज न्यूटोनियन सेकेंड वन इज नॉन न्यूटोनियन। द फ्लूड विच फॉलो इज द लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूड। द फ्लूड विच डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। इन द नॉन न्यूटोनियन फ्लूड इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट। इन द टाइम इंडिपेंडेंट डायलेटेंट विंगम प्लास्टिक स्यूडो प्लास्टिक। इन टाइम डिपेंडेंट थिक्सोट्रॉपिक रियोपेक्टिक। नॉन न्यूटोनियन फ्लूड्स दिस डू नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। द रिलेशन बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट इज टाउ इज इक्वल टू ए इंटू डी यू बाई डी वाई टू द पावर एन प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ फ्लूड एंड कंडीशन ऑफ फ्लो। फॉर डायलेटेड फ्लूड एन ग्रेटर देन वन एंड B is equal to 0. Example, butter, quick sand. Second, for Bingham plastic, fluid N is equal to 1 and B is not equal to 0. Example, sewage sludge, drilling mud, toothpaste and gel. These fluids always have certain minimum shear stress before the yield. For pseudoplastic, fluid N is less than 1 and B is equal to 0. Example, paper pulp, rubber solution, lipstick, paints, blood, polymetric solution, etc. For thixotropic fluid, N is less than 1 and B is not equal to 0. Viscosity increases with time. Printer ink and enamels. For rheopectic fluid, N is greater than 1 and B is not equal to 0. Viscosity decreases with time. Example, gypsum solution in water and bentonite solution. Compressibility. It is inverse of bulk modulus of elasticity. It can be represented by beta. Beta is equal to 1 by k, where k is bulk modulus of elasticity. Beta is equal to
माइनस डी वी अपॉन वी इंटू डी पी इजक्वल टू डी रो अपॉन रो इंटू डी पी, वेयर रो इज डेंसिटी स्मॉल वी इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस के टी, के टी इज इक्वल टू पी फाइनल इज इक्वल टू रो आर टी। एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस के ए इज इक्वल टू गामा इंटू पी फाइनल, गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी, वेयर सी पी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सी वी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सरफेस टेंशन ऑकर्स एट द इंटरफेस ऑफ लिक्विड एंड ए गैस और एट द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड। सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इट आल्सो एक्स व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट। लिक्विड टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया एंड हेंस सरफेस एनर्जी। प्रेशर इनसाइड ड्रॉप बबल एंड जेट, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप सॉलिड लाइक स्फेयर पी इज इक्वल टू फोर सिग्मा अपॉन डी, वेयर सिग्मा इज सरफेस टेंशन, डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सॉलिड स्फेयर। सच लाइक वाटर ड्रॉप्स, एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल P इज इक्वल टू एट सिग्मा अपॉन डी। द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट्स ऑफ सोप बबल विल बी हायर देन P एटमॉस्फेरिक। द हायर द प्रेशर इनसाइड द सोप बबल द स्मॉलर द साइज ऑफ सोप बबल। एक्सेस प्रेशर इनसाइड जेट P इज इक्वल टू टू सिग्मा अपॉन डी, डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ड्रॉप, P इज इक्वल टू गेज प्रेशर। सरफेस टेंशन इज ए सरफेस फेनोमेनन, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। फॉर वाटर एयर इंटरफेस एट 20 डिग्री सी इट्स वैल्यू इज 0.0736 न्यूटन पर मीटर एंड एयर मर्करी इंटरफेस सिग्मा इज इक्वल टू 0.480 न्यूटन पर मीटर। एट क्रिटिकल पॉइंट लिक्विड वेपर स्टेट आर सेम द सरफेस टेंशन इज इक्वल टू जीरो, इट इज ड्यू टू कोहेशन ओनली, द सरफेस टेंशन विल ऑकर ड्यू टू द कोहेशन फोर्स ओनली। कैपिलरी एक्शन, हाइट ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब इज ए स्मॉल डायमीटर ट्यूब, सिलिंड्रिकल ट्यूब। वेन वी विल पुट इन टू वाटर और मरकरी इट विल शोस राइजिंग और फॉल। द हाइट ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब एच इज इक्वल टू फोर सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, वेयर एच इज इक्वल टू राइज इन कैपिलरी, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर और एनी लिक्विड, d is equal to diameter of tube, theta is equal to angle of contact between the liquid and the material, theta is equal to 0 degrees for water and glass, theta is equal to 128 degree for mercury and glass. If cohesion force less than adhesion, then fluid rises and theta will less than 90 degree. If cohesion force is greater than adhesion force, then fluid will falls and theta will be greater than 90 degree. When a liquid surface supports another liquid of density rho b, then rise in capillary is given as h is equal to 4 sigma
कॉस थीटा अपान ब्रैकेट रो माइनस रो बी इंटू जी इंटू डी। कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू बोथ एडहेशन एंड कोहेशन। फॉर कैपिलरी एक्शन डायमीटर ऑफ ट्यूब शुड बी लेस देन 3 सेंटीमीटर। मैनोमेट्री पास्कल्स लॉ द इंटेंसिटी ऑफ फ्लूड एट एनी पॉइंट इन स्टेशनरी फ्लूड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। पी एक्स इजक्वल टू पी वाई इजक्वल टू पी जेड। प्रेशर वेरीज ओनली विथ डेप्थ इन स्टेशनरी फ्लूड। वेयर एज इट फ्लूड इज इन मोशन प्रेशर में वेरी इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन ओनली। फ्लूड प्रेशर इज मेजर्ड एज फोर्स पर एरिया एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और बार। 1 bar इज इक्वल टू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर शोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 kg फोर्स इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। एब्सोल्यूट प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर्ड विद ए रेफरेंस टू एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट प्रेशर कैन नॉट बी नेगेटिव। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी गेज इज इक्वल टू रो जी एच। वेयर रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूड। जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच इज इक्वल टू हाइट और डेप्थ। गेज प्रेशर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद एल्टीट्यूड टेम्परेचर एंड लोकल कंडीशन। एट मीन सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01 × 10^5 पास्कल और 1 bar और 10.3 meter ऑफ हाइट ऑफ वाटर और 76 cm हाइट ऑफ मरकरी। हाइड्रोस्टैटिक लॉ फॉर एच मेजरमेंट मेजर्ड डाउनवर्ड डी पी अपॉन डी एच इक्वल टू डब्ल्यू। फॉर अपवर्ड एच इक्वल टू डी पी अपॉन डी एच इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर शोज लीनियर वेरिएशन विथ डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस। कन्वर्जन ऑफ वन फ्लूड कॉलम टू अनदर फ्लूड कॉलम। रो वन एच वन इजक्वल टू रो टू एच टू। एस वन एच वन इजक्वल टू एस टू एच टू। वेयर रो इजक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूड एच इजक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी। पीजोमीटर इज सुटेबल फॉर स्मॉल एंड पॉजिटिव प्रेशर मेजरमेंट। The manometric liquid should have high density and low vapor pressure. Simple manometer, U-tube manometer can measure both positive and negative pressure. Aneroid or mercury barometer used to measure local atmospheric pressure on absolute scale. Inclined single column manometer used to increase sensitivity by a factor of 1/sin θ. Inverted column U-tube manometer used for measuring liquid pressure only. S manometric is less than S liquid where S is relative density. Or it can be said relative density of manometric fluid is less than relative density of liquid. Density of mercury is equal to 13,600 kg per meter cube. Density of air is equal to 1.24 kg per meter cube. Hydrostatic force on submerged surface. Horizontal position. Force is equal to rho g into a h bar. Center of pressure
इक्वल टू एच स्टार इक्वल टू एच बार, वर्टिकल पोजिशन फोर्स इक्वल टू रो जी इंटू ए इंटू एच बार, एच स्टार इक्वल टू और सेंटर ऑफ प्रेशर एच स्टार इक्वल टू एच बार प्लस आई जी अपान ए एच बार, इंक्लाइंड पोजिशन फोर्स इक्वल टू रो जी ए इंटू एच बार, सेंटर ऑफ प्रेशर एच स्टार इक्वल टू एच बार प्लस आई जी अपान ए एच बार साइन स्क्वायर थीटा। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूड, आई जी इजक्वल टू बी डी क्यू अपान 12 फॉर रेक्टेंगुलर प्लेट, आई जी इजक्वल टू पाई अपान 64 डी टू पावर 4 फॉर सर्कुलर प्लेट, ए इजक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस टचिंग फ्लूड, आई जी इजक्वल टू एरिया मूमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस एंड पैरेलल टू फ्री एक्सिस, एच स्टार इजक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सी जी बॉडी फ्रॉम फ्री सरफेस, ओमेगा इजक्वल टू स्पेसिफिक वेट, थीटा इजक्वल टू एंगल एट विच द सरफेस इज इंक्लाइंड विद हॉरिजेंटल, प्रेशर फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस हॉरिजेंटल फोर्स, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स इफेक्ट्स ऑफ कर्व्ड सरफेस में बी कंप्यूटेड बाई प्रोजेक्टिंग द सरफेस अपॉन ए वर्टिकल प्लेन एंड मल्टीप्लाइंग द प्रोजेक्टेड एरिया बाई द प्रेशर एट इट्स ओन सेंटर ऑफ एरिया, वर्टिकल फोर्स एफ बी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ y is equal to the weight of the liquid block lying above the curved surface up to free surface, resultant force f is equal to under root fh square plus fv square, angle of line of action of resultant force with the horizontal is given by tan theta is equal to fy upon fx, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर सम वर्टिकल प्लेन सरफेस फ्रॉम लिक्विड सरफेस, फॉर रेक्टेंगुलर सरफेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू एच बाई टू एंड सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू टू एच बाई थ्री, फॉर ट्रेपेजियम सी जी इजक्वल टू ए प्लस टू बी अपान ए प्लस बी इन टू एच बाई थ्री, सेंटर ऑफ प्रेशर इजक्वल टू ए प्लस थ्री बी अपान ए प्लस टू बी इन टू एच बाई टू, फॉर ट्राइंगल इफ इट्स वर्टेक्स इज टचिंग सरफेस फ्री सरफेस देन सी जी इज इक्वल टू टू एच बाई थ्री, सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू टू एच थ्री एच बाई फोर, इफ द बेस टचिंग फ्री सरफेस सी जी इज इक्वल टू एच बाई थ्री सी पी इज इक्वल टू एच बाई टू, फॉर सर्कल सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू डी बाई टू, सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू 5d बाई 8, फॉर सेमी सर्कल सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू 2d अपॉन 3 पाई, सेंटर प्रेशर इज इक्वल टू 3 पाई d अपॉन 32, फॉर पैराबोला cg इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू 3h बाई 5, सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू 5f बाई 7, इन केस ऑफ वर्टिकल सरफेस वेन डेप्थ ऑफ इमर्सन एच बार इज वेरी लार्ज देन
सेंटर ऑफ प्रेशर इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एच स्टार इक्वल टू एच बार। मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन ए प्लेन सरफेस डज नॉट चेंज विथ रोटेशन इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एज एक्स बार रिमेन्स सेम। बायंसी एंड फ्लोटेशन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हेन ए बॉडी इज सबमर्ज्ड आइदर फुल्ली और पार्शली देन इट इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स ऑफ बायंसी वर्टिकली अप विच इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई द बॉडी। दिस फोर्स ऑफ बायंसी ऑलवेज एक्ट थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सेंटर ऑफ बायंसी इज दैट पॉइंट थ्रू विच बायंट फोर्स एक्ट्स। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम फॉर फ्लोटिंग बॉडी। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी मेटा सेंटर शुड बी अबोव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम फॉर सबमर्ज्ड बॉडी। इन द केस ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी सेंटर ऑफ बायंसी शुड बी अबोव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ बायंसी इजक्वल टू आई मिनिमम अपॉन वी इमर्स्ड। आई मिनिमम इजक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू टॉप व्यू ऑफ फ्लोटिंग बॉडी अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। वी इजक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड। मेटासेंट्रिक हाइट फॉर रोलिंग कंडीशन विल बी लेस देन मेटासेंट्रिक हाइट फॉर पिचिंग कंडीशन। फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एम इज इक्वल टू जी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इफ ए फ्लोटिंग बॉडी ऑसिलेट्स देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ ट्रांसवर्स का ऑसिलेशन इज गिवन बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के जी स्क्वायर अपॉन जी इंटू जी एम वेर के जी इज इक्वल टू लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। जी एम इज इक्वल टू मेटासेंट्रिक हाइट। फॉर कोन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट 3/4h फ्रॉम द पॉइंटेड एंड फ्लूड काइनेमेटिक्स। लैग्रेंजियन कॉन्सेप्ट इज फॉर सिंगल फ्लूड पार्टिकल। आयलेरियन कॉन्सेप्ट इज फॉर पार्टिकुलर सेक्शन और पॉइंट। स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। इफ द फ्लूड एंड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डेंसिटी वेलोसिटी प्रेशर एट्सेट्रा एट ए पॉइंट डू नॉट चेंज विथ टाइम द फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी फ्लो। डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 0 डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू 0 डी रो बाई डी टी इज इक्वल टू 0 वेयर वी इज इक्वल टू वेलोसिटी रो इज इक्वल टू डेंसिटी पी इज इक्वल टू प्रेशर। इट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल प्रॉपर्टीज। इफ द फ्लूड एंड फ्लो वेरिएबल एट ए पॉइंट मे चेंज विथ टाइम द फ्लो विल बी अनस्टेडी। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इफ द वेलोसिटी वेक्टर एट ऑल पॉइंट इज इन द फ्लो इज सेम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द फ्लो इज यूनिफॉर्म फ्लो। इफ द वेलोसिटी वेक्टर वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द फ्लो विल बी नॉन यूनिफॉर्म। डी वी अपॉन डी एस इजक्वल टू 0। इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर वेलोसिटी वेयर वी इज वेलोसिटी एस इजक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। इन लेमिनार फ्लो द पार्टिकल मूव इन लेयर्स स्लाइडिंग स्मूथली ओवर द एडजेसेंट लेयर्स। वाइल इन टर्बुलेंट फ्लो पार्टिकल्स हैव द रैंडम एंड इरेटिक मोमेंट इंटरमिक्सिंग इन द एडजेसेंट लेयर। स्ट्रीक लाइन। व्हेन ए डाई इज इंजेक्टेड इन ए लिक्विड और स्मोक इन ए गैस सो एज टू ट्रेस द सबसिक्वेंट मोशन ऑफ फ्लूड पार्टिकल पासिंग ए फिक्स्ड पॉइंट द पाथ फॉलोड बाई द लाइट डाई आर स्मोक इज कॉल्ड द स्ट्रीक लाइन।
पाथ लाइन, ए पाथ लाइन इज ए कर्व ट्रेस्ड बाई ए सिंगल फ्लूड पार्टिकल्स ड्यूरिंग इट्स मोशन। स्ट्रीम लाइन, ए स्ट्रीम लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रान इन ए फ्लो फील्ड सच दैट ए टेंजेंट ड्रान एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पॉइंट। देर इज नो वेलोसिटी कंपोनेंट नॉर्मल टू स्ट्रीम लाइन्स। द स्टडी फ्लो स्ट्रीक लाइन पाथ लाइन एंड स्ट्रीम लाइन्स आर आइडेंटिकल। देर इज नो डिस्चार्ज अक्रॉस ए स्ट्रीम लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, टेंजेंट टू स्ट्रीम लाइन गिव्स वेलोसिटी dx upon u is equal to dy upon v is equal to dz upon w. Here u, v, w components of velocity in x, y, z direction. Continuity equation, conservation of mass. Rho 1 a1 v1 is equal to rho 2 a2 v2 for compressible flow, where rho is equal to density, a is equal to area, v is equal to velocity. For incompressible flow, density will be constant, thus continuity equation will be a1 v1 is equal to a2 v2 for incompressible flow. General continuity equation, del rho by del t plus del by del x rho u plus del upon del y by rho v plus del by del z del into rho w is equal to 0. D rho upon dt plus rho into v Laplace vector v is equal to 0 vector form. Special case, if flow is steady, then d rho upon dt is equal to 0. Thus continuity equation will be del upon del x rho into u plus del upon del y rho v plus del upon del z rho w is equal to 0. For steady incompressible, density will be constant, thus del u by del x plus del v by del y plus del w upon del z is equal to 0. Or it can be said divergence of v is equal to vector v is equal to 0. Total acceleration of fluid, ax is equal to u into del u upon del x plus v into del u upon del y plus w into del u upon del z plus del u upon del t, where u into del u upon del x plus v into del u upon del y plus w into del u upon del z is called as convective acceleration, whereas del u upon del t is known as temporal or local acceleration. A y is equal to u into del v upon del x plus v into del v upon del y plus w into del v upon del z plus del v upon del t. Such like this, u into del v upon del x plus v into del v by del y plus w into del v by del z is known as convective acceleration in y direction, and del v upon del t is known as temporal or local acceleration in y direction. Total acceleration is equal to convective acceleration with respect to space plus local acceleration with respect to time. For steady and uniform flow, convective acceleration is equal to 0 and temporal acceleration is equal to 0. For steady and non-uniform flow, convective acceleration exists whereas temporal acceleration is equal to 0. Unsteady and uniform flow, convective acceleration is equal to 0, temporal acceleration exists. In unsteady and non-uniform flow, convective acceleration exists and temporal acceleration will also exist. Tangential acceleration, magnitude of velocity changes. Normal acceleration, direction of velocity changes. Rotational component, for rotational flow, omega x is equal to omega y plus omega is equal to omega z is equal to 0.
वॉट इज सी टी इज इक्वल टू टू इंटू रोटेशनल कंपोनेंट. सर्कुलेशन, इट इज द इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अराउंड ए क्लोज्ड कर्व. सर्कुलेशन इज इक्वल टू वोर्टिसिटी इंटू एरिया. इन इरोटेशनल फ्लो द वेलोसिटी इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स इन द फ्लो रीजन व्हाइल द रोटेशनल फ्लो व्हाइल फॉर रोटेशनल फ्लो वोर्टिसिटी इज नॉन जीरो. फ्लो आउटसाइड द बाउंड्री लेयर हैज रोटेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाइल दैट विद इन द बाउंड्री लेयर इज रोटेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स. वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन यू इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, वी इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड. फ्लो ऑलवेज ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लो एंड पोटेंशियल फ्लो. लाप्लास इक्वेशन इज गिवन बाई डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो. इफ वेलोसिटी कम पोटेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन देन इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड हेंस द फ्लो इज पॉसिबल. स्ट्रीम लाइन फंक्शंस डिफाइंड ओनली फॉर टू डी स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो. वी इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स, यू इज इक्वल टू माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई. इफ साई एग्जिस्ट देन इट ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड फ्लो कैन बी रोटेशनल और इरोटेशनल. इफ स्ट्रीम फंक्शन सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन देन इट इज केस ऑफ इरोटेशनल फ्लो. डेल स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू जीरो. डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू साई वन माइनस साई टू एंड साई वन इज ग्रेटर देन साई टू. कॉची रीमन इक्वेशन माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू यू एंड माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू वी. साई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस यू इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रल वी टर्म्स नॉट कंटेनिंग वाई इंटू डी एक्स. फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस यू इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी टर्म्स नॉट कंटेनिंग एक्स इंटू डी वाई. इक्विपोटेंशियल लाइन्स एंड कॉन्स्टेंट स्ट्रीम लाइन फंक्शन लाइन्स आर ऑर्थोगोनल एक्सेप्ट एट स्टेग्नेशन पॉइंट. फ्लूड डायनेमिक्स एंड फ्लो मेजरमेंट. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूड पार्टिकल्स. फ्लूड डायनेमिक एंड फ्लो मेजरमेंट. डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूड पार्टिकल. प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, विस्कस फोर्स. इफ ऑल द थ्री फोर्सेस आर टेकन इनटू अकाउंट देन इक्वेशन ऑब्टेंड इज नोन एज नेवियर स्टोक्स इक्वेशन. आयलर इक्वेशन, इट रिप्रेजेंट्स द मोमेंटम इक्वेशन इन ए टू डी इनविसिड स्टेडी फ्लो. नो विस्कस इफर्ट आर कंसिडर्ड. बर्नौली इक्वेशन, एजम्पशन इन बर्नौली इक्वेशन. फ्लूड इज आइडियल, फ्लो इज स्टेडी, फ्लो इज कंटिन्यूअस, फ्लूड इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लो इज नॉन विस्कस, फ्लो इज इरोटेशनल, अप्लीकेबल अलॉन्ग ए स्ट्रीम लाइन. दिस इक्वेशन इज ऑब्टेंड बाई इंटीग्रेटिंग आयलर इक्वेशंस पी अपॉन डब्ल्यू प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. पी अपॉन डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू प्रेशर हेड प्लस ग्रेविटेशनल हेड इक्वल टू पीजोमेट्रिक हेड. बर्नौली इक्वेशन इज अप्लीकेबल अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन्स इफ फ्लो इज इरोटेशनल. वेंचुरी मीटर,
कैपिटल डी इज इक्वल टू 1/3 to 3/4 डी, वेयर कैपिटल डी इज इंट्रेंस डायमीटर एंड स्मॉल डी इज चोक डायमीटर और थ्रोट डायमीटर। एंगल ऑफ डाइवर्जेंस इज इक्वल टू 15 to 20 डिग्री, सॉरी एंगल ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू 15 to 20 डिग्री एंड एंगल ऑफ डाइवर्जेंस इज इक्वल टू 6 to 7 डिग्री एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 7 डिग्री टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन। इट इज यूज फॉर मीजरिंग डिस्चार्ज। क्यू आइडियल इज इक्वल टू A1 A2 इंटू √2gh अपॉन √a1² - a2² एच इज इक्वल टू पिजोमेट्रिक हेड डिफरेंस। एच कैन बी रिटन एज P1 upon ρg + Z1 - P2 upon ρg + Z2। एच इज इक्वल टू P1 - P2 upon ρg। ग्रेविटेशनल हेड डिफरेंस इज इक्वल टू 0। इट कैन बी रिटन एज V2² - V1² / 2g। एच इज इक्वल टू X into Sm upon S - 1। Sm इज ग्रेटर देन S। एच इज इक्वल टू X(1 - Sm upon S) वेयर S इज ग्रेटर देन Sm। हेयर X इज इक्वल टू मैनोमेट्रिक डिफ्लेशन। Sm इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड। S इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूड। Q एक्चुअल इज इक्वल टू CD into Q आइडियल। फॉर वेंचुरी मीटर कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज CD इज इक्वल टू 0.97 to 0.99। कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड बाई √H - HL upon H। वेल HL इज इक्वल टू हेड लॉस इन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ट्रैक्शन। वेंचुरी मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग रेट्स ऑफ फ्लो इन बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल फ्लूड। ऑरिफिस मीटर इट इज ए चीपर अरेंजमेंट बट हैज मोर एनर्जी लॉस। क्यू इज इक्वल टू CD into A1 A0 अपॉन √A1² - A0² √2gh। ए इज इक्वल टू वेयर A1 इज इक्वल टू पाइप डायमीटर पाइप क्रॉस सेक्शन एंड A0 इज इक्वल टू ऑरिफिस क्रॉस सेक्शन। इट कैन बी फर्दर वेयर A1 इज इक्वल टू π/4d² A0 इज इक्वल टू π/4d0² D0 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ऑरिफिस। इट इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज। कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू 0.63 to 0.65। फॉर ऑरिफिस कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज अपॉन कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी। ए फ्लो नोजल इज इसेंशियली एन ऑरिफिस मीटर इन विच जेट कॉन्ट्रेक्शन इज एलिमिनेटेड बाई स्मूथ इंट्रेंस बाउंड्री एंड दस रिजल्ट इन मच स्मॉलर लॉसेस देन ऑरिफिस मीटर। पिटोट ट्यूब इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हेड इंटू प्रेशर एनर्जी हेड। द पॉइंट एट विच वेलोसिटी रिड्यूसेस 0 इज कॉल्ड स्टैग्नेशन पॉइंट। PS इज इक्वल टू P0 + PD। V थियोरेटिकल इज इक्वल टू √2gh इज इक्वल टू √2g इन द ब्रैकेट √S - √0 upon ρg। V एक्चुअल इज इक्वल टू CV into V theoretical। कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी
इक्वल टू 0.98, पी एस अपॉन रो जी इक्वल टू स्टैग्नेशन हेड, पी नॉट अपॉन रो जी इक्वल टू स्टैटिक हेड, पी डी इक्वल टू डायनेमिक प्रेशर, वेलोसिटी हेड इज इंडिकेटेड बाई द डिफरेंस इन विट लिक्विड लेवल बिटवीन द पिटोट ट्यूब एंड द पिजोमीटर, द पिटोट ट्यूब मेजर्स द टोटल हेड एंड देयर फोर नोन एज टोटल हेड ट्यूब। एप्लीकेशन ऑफ पिटोट ट्यूब्स इन पाइप्स, वी वन इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, एच इज इक्वल टू एक्स इंटू एस एम अपॉन एस माइनस वन, एस एम इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड, एस इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूड। रोटामीटर, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी प्लस एफ बी, एफ डी इजक्वल टू ड्रैग फोर्स, एफ बी इजक्वल टू बायंट फोर्स। हाइड्रोलिक कोफिशियंट, कॉन्ट्रेक्शन कोफिशियंट और कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इजक्वल टू एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रेक्टा अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस। कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी सी वी इजक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थियोरेटिकल वेलोसिटी। कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज इजक्वल टू एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज। वेंचुरी मीटर मीजर्स रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। फ्लो नोजल मीजर्स रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। ऑर्फिस मीटर मीजर्स रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। बेंड मीटर मीजर्स रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। रोटामीटर मीजर्स रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। पिटोट ट्यूब मीजर्स वेलोसिटी। हार्ट वायर एनेमोमीटर मीजर्स एयर एंड गैस वेलोसिटी। करंट मीटर मीजर्स वेलोसिटी इन ओपन चैनल। विस्कस फ्लो ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूड, इन विस्कस फ्लो फ्लूड पार्टिकल्स मूव्स अलोंग स्ट्रेट पैरेलल पाथ्स इन लेयर, इट ऑकर्स एट लो वेलोसिटी एंड विस्कस फोर्स प्रीडोमिनेट्स इनर्शियल फोर्स। रेनॉल्ड नंबर आर इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, रो वी डी अपॉन म्यू, वेयर रो इज इक्वल टू डेंसिटी, डी इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, वी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, म्यू इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। नेचर ऑफ फ्लो ऑकरिंग अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स नंबर फॉर पाइप एंड ओपन चैनल, द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ रेनॉल्ड नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू विच फ्लो इज लेमिनार इज गिवन बाई। इन द पाइप फ्लो फॉर लेमिनार फ्लो रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू 2000 एंड फॉर ओपन चैनल इट इज लेस देन आर इक्वल टू 500। इन द ट्रांजिशनल फ्लो फॉर पाइप रेनॉल्ड नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 2000 टू 4000, वेयर एज इन ओपन चैनल फ्लो रेनॉल्ड नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 500 एंड 1000। फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन द पाइप फ्लो रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 4000 एंड इन द ओपन चैनल फ्लो ग्रेटर देन 1000। इंट्रेंस लेंथ, द लेंथ ऑफ पाइप फ्रॉम इट्स इंट्रेंस अप टू द पॉइंट वेयर फ्लो अटेन फुल्ली डेवलप्ड वेलोसिटी प्रोफाइल एंड विच रिमेन्स अनअल्टर्ड बियॉन्ड दैट नोन एज इंट्रेंस लेंथ। द इंट्रेंस लेंथ रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो इज गिवन बाई एल ई अपॉन डी इज इक्वल टू 0.07 आर ई। द इंट्रेंस लेंथ
बाई फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो इज गिवन बाई एल ई अपॉन डी इज इक्वल टू 50। लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप, टाउ इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इन टू आर बाई टू। द निगेटिव साइन ऑन डेल पी अपॉन डेल एक्स इंडिकेट्स इंक्रीजेस डिक्रीजेस इन प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। द प्रेशर मस्ट डिक्रीज बिकॉज प्रेशर फोर्स इज द ओनली मीन्स अवेलेबल टू कंपनसेट फॉर रेजिस्टेंस टू द फ्लो। द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। द इक्वेशन टाउ इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर स्मॉल आर अपॉन टू इज वैलिड फॉर स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अकर्स एट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। द लेमिनार फ्लो शियर स्ट्रेस इज इंटायरली ड्यू टू विस्कस एक्शन। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल आर इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम एक्सिस। यू इज इक्वल टू वन अपॉन फोर म्यू इन द ब्रैकेट डेल पी ए माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट क्लोज इन द ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एट सेंटर स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो। दस यू मैक्स इज इक्वल टू वन अपॉन फोर म्यू इन द ब्रैकेट माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट क्लोज आर स्क्वायर। यू मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी यू इज इक्वल टू यू मैक्स इन द ब्रैकेट वन माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर कैपिटल आर स्क्वायर। डिस्चार्ज थ्रू ए पाइप क्यू इज नॉट इक्वल टू ए वी ए बिकॉज वी इज चेंजिंग। फॉर विस्कस फ्लो क्यू इज इक्वल टू पाई अपॉन 128 म्यू इंटू इन द ब्रैकेट माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इन ब्रैकेट क्लोज कैपिटल डी टू द पावर 4। विन मीन वेलोसिटी वी एवरेज इज इक्वल टू यू मैक्स अपॉन टू। द मैक्सिमम वेलोसिटी आकर्स एट एक्सिस द पॉइंट वेयर लोकल वेलोसिटी इज इक्वल टू मीन वेलोसिटी इज गिवेन बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन रूट टू इज इक्वल टू 0.707 आर। प्रेशर ड्रॉप इन पाइप पी वन माइनस पी टी इज इक्वल टू 32 म्यू वी एवरेज इंटू एल अपॉन डी स्क्वायर। एच एफ इज इक्वल टू 32 म्यू वी एल अपॉन रो जी टी स्क्वायर। लेमिनार फ्लो बिटवीन टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स शियर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इन द ब्रैकेट स्मॉल टी बाई टू माइनस वाई वेयर टी इज द डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। वेलोसिटी यू इज इक्वल टू वन अपॉन टू म्यू इन द ब्रैकेट माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट क्लोज टी इन द ब्रैकेट टी वाई माइनस वाई स्क्वायर। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर्स एट वाई इज इक्वल टू जीरो। द मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स एट वाई इज इक्वल टू टी बाई टू एंड इट इज गिवन बाई यू मैक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन एट म्यू इन द ब्रैकेट माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स। वी एवरेज इज इक्वल टू टू बाई थ्री म्यू टू बाई थ्री यू मैक्स इज इक्वल टू 0.66 यू मैक्स। डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन 12 म्यू इन द ब्रैकेट माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू टी क्यू। प्रेशर ड्रॉप इन इज इन गिवन लेंथ पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू 12 म्यू वी एल अपॉन टी स्क्वायर। एच एफ इज इक्वल टू 12 म्यू वी एल अपॉन रो जी टी स्क्वायर। फ्लो थ्रू पाइप्स
फ्रिक्शन लॉस और डॉर्सी विस्बैक इक्वेशंस, एच एफ इजक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD इजक्वल टू 4F एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD, एल इजक्वल टू लेंथ ऑफ पाइप, डी इजक्वल टू डायमीटर ऑफ पाइप, वी इजक्वल टू मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एफ इजक्वल टू फ्रिक्शन फैक्टर विच विल एग्जिस्ट बिटवीन 0.022 0.04 फॉर मेटल्स, एफ डैश इजक्वल टू फ्रिक्शन कोफिशियंट, एच एफ इजक्वल टू हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फॉर लेमिनार फ्लो, स्मॉल एफ इजक्वल टू 64/RE वेयर आर इज रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000, फ्रिक्शन फैक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ पाइप, टर्बुलेंट फ्लो एफ इजक्वल टू 0.316/RE^1/4, रेनॉल्ड नंबर इज एग्जिस्ट बिटवीन 4000 to 10^6, फ्रिक्शन फैक्टर डायरेक्टली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर पर पाइप टू द पावर 1/4, फ्रिक्शन लॉस इन पाइप होज एंड इज क्लोज्ड एंड फ्लो टेक्स प्लेस थ्रू साइड्स एट रेगुलर इंटरवल, एच एफ इजक्वल टू 1/3 FL V² / 2 GD, चेजिस फार्मूला वी इजक्वल टू सी इंटू अंडर रूट एम आई, सी इजक्वल टू चेजिस कॉन्स्टेंट, एम इजक्वल टू हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, एरिया एम इजक्वल टू एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, आई इजक्वल टू हाइड्रोलिक स्लोप इजक्वल टू एच एल अपॉन एल इजक्वल टू टेन थीटा, रिलेशन बिटवीन चेजिस कॉन्स्टेंट एंड फ्रिक्शन फैक्टर एफ इजक्वल टू 8G/C². डिफरेंट टाइप ऑफ माइनर लॉसेस इन पाइप, लॉसेस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, एच ई इजक्वल टू V1 - V2² / 2G इजक्वल टू V1² / 2G इन द ब्रैकेट 1 - A1/A2² फॉर सडन एक्सपेंशन, द ऑप्टिमल रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द पाइप सो दैट द प्रेशर लॉस इज मिनिमम, D1/D2 इजक्वल टू 1/√2, लॉसेज ड्यू टू सडन कॉन्ट्रेक्शन, एच टी इजक्वल टू VC - V2² / 2G इजक्वल टू V2² / 2G इन द ब्रैकेट 1/CC - 1² कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इजक्वल टू V2/VC, इफ कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इज नॉट गिवेन, एच सी इजक्वल टू 0.5 V2² / 2G, लॉसेस एट एग्जिट ऑफ पाइप एच नॉट इजक्वल टू V² / 2G, लॉसेस एट इंट्रेंस टू पाइप एच आई इजक्वल टू 0.5 V² / 2G, हेयर वी इजक्वल टू मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पाइप, लॉस ड्यू टू ग्रेजुअल एक्सपेंशन, एच एल इजक्वल टू के एल इंटू V1 - V2² / 2G इजक्वल टू के एल इंटू V1² / 2G इन द ब्रैकेट 1 - A1/A2² के एल डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ एक्सपेंशन, लॉसेस ड्यू टू बेंड्स एच एल इजक्वल टू KV² / 2G, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इट ज्वाइंस पीजोमेट्रिक हेड एट वेरियस पॉइंट, टोटल एनर्जी लाइन इट ज्वाइंस टोटल एनर्जी हेड एट वेरियस पॉइंट, एच जी एल इज ऑलवेज पैरेलल एंड लोअर देन टी ई एल, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप, पावर एट इनलेट ऑफ पाइप इजक्वल टू ρGQ×H, पावर एट आउटलेट ऑफ पाइप पी नॉट इजक्वल टू ρGQ इन द ब्रैकेट कैपिटल H - HF,
HF is equal to head loss due to friction. Efficiency is equal to eta is equal to capital H minus small h HF upon capital H. Power delivered by a given pipeline is maximum when the flow is such that 1/3 of static head is consumed in pipe friction. Thus, efficiency is limited to only 66.66% for HF is equal to capital H by 3. Siphon action of pipe. A pipe which rises above its hydraulic grid line has negative pressure and is known as a siphon. Formation of air lock at highest portion of pipe. Summit pressure should not be less than vapor pressure of liquid to avoid air lock formation at summit. If total head loss between A and B is H, then H is equal to entry loss plus friction loss plus exit loss. Water hammer in pipe. There are three cases of water hammer: gradual closure of valve, second, sudden closure of valve and pipe is rigid, third, sudden closure of valve and pipe is elastic. The valve closure is gradual if T is greater than 2L upon C. The valve closure is sudden if T is less than 2L upon C, where L is equal to length of pipe, T is equal to time in second, C is equal to velocity of pressure wave. Gradual closure. In this case, the pressure head is given by P upon W is equal to LV upon GT, where L is equal to length of pipe, V is equal to velocity of flow, T is equal to time in second to close the valve. Sudden closure with rigid pipe. The pressure head in this case is given by P upon W is equal to VC upon G, where C is equal to under root K upon rho, velocity of pressure valve. K is equal to bulk modulus of water, rho is equal to density of water. Sudden closure with elastic pipe. The pressure head is given by P upon W is equal to V upon under root rho g square in the bracket 1 by k plus d upon te bracket close, where d is equal to diameter of pipe, t is equal to thickness of pipe, e is equal to modulus of elasticity of pipe material. In delivering equation, the Poisson's ratio of pipe material is assumed as 0.25 equivalent pipe length series connection Q constant, H equivalent is equal to H1 plus H2, L equivalent upon D power 5 is equal to L1 upon D1 power 5 plus L2 upon D2 power 5. Parallel connection HF is equal to constant, Q is equal to Q1 plus Q2, D equivalent to the power 5 by 2 upon under root L equivalent is equal to D1 to the power 5 by 2 upon under root L1 plus D2 to the power 5 by 2 upon under root L2. Vortex motion. A whirling mass of fluid is called vortex flow. Free vortex flow. In this flow, fluid mass rotates due to conservation of angular momentum. The velocity profile is inversely proportional with the radius. Vr is equal to constant. The point at the center of rotation is called singular point, where velocity approaches to infinity. Example of free vortex motion are whirling mass of liquid in wash basin.
व्हर्लपूल इन रिवर्स, वाटर फ्लो इन सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग एक्सेट्रा। नो एक्सटर्नल टॉर्क और एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन फ्री वर्टिक्स फ्लो। बर्नौलीस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फोर्स्ड वर्टिक्स फ्लो व्हेन ए फ्लो इज रोटेटेड अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस एट कॉन्स्टेंट स्पीड सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ इट्स हैज द सेम एंगुलर वेलोसिटी मोशन इज नोन एज फोर्स्ड वर्टेक्स। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, एच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू जी, वेयर एच इज हाइट ऑफ पैराबोलाइड एंड आर इज रेडियस ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड इज इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर एच। द सर्फेस प्रोफाइल ऑफ फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो इज पैराबोलिक। फोर्स्ड वर्टेक्स रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी पर टॉर्क। एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो इज रोटेटिंग सिलेंडर एंड फ्लो इन साइड सेंट्रीफ्यूगल पंप। स्विंगिंग ऑफ सस्पेंडेड टेलीफोन वायर इज कॉज्ड बाई फॉर्मेशन ऑफ कार्मन वर्टेक्स स्ट्रीट।